हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम घर बनाते हैं तो हमारा जो दरवाज़ा है उसका साइज़ कौन कौन सा होना चाहिए। जैसे हमारा हॉल हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, तो सभी जगह पर हमारे जो दरवाज़ा लगेंगे उसके साइज़ क्या होना चाहिए, और सभी जगह पर जो हमारे खिड़की लगेंगे उसका जो साइज़ है और जो लेबल है वो कितना होना चाहिए, ये हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप कभी भी घर बना रहे हैं, उसका प्लानिंग करवाना है, ड्राइंग बनवाना है या फिर आपको नक्शा बनवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको घर बनाने में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बाथरूम के दरवाजे से स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों हमारा जितना भी दरवाज़ा रहता है, उस दरवाज़ा का जो हाइट है दोस्तों, सभी दरवाज़ा का जो हाइट है उसका जो टॉप लेवल है वो हमेशा 2150 एमएम जो है दोस्तों वो होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, जितना भी दरवाज़ा, चाहे बाथरूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे जो भी हो, सभी दरवाज़ा का जो टॉप लेवल है दोस्तों, जो साइज़ है उसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ठीक है दोस्तों, वो हमेशा जो है 2150 एमएम होनी चाहिए। और जो खिड़की का जो टॉप लेवल है वो भी इसी, जो खिड़की का जो टॉप है और जो दरवाज़ा का टॉप है, तो जो दोनों है दोस्तों एक जगह पर आना चाहिए। जो टॉप लेवल है, चाहे खिड़की का जो टॉप और दरवाज़ा का जो टॉप है, वो एक लेवल में होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा साइज होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है बाथरूम का दरवाज़ा है, आपको दिख रहा है, तो बाथरूम का दरवाज़ा है दोस्तों, हाइट तो 2150 होना ही है ना साथ, लेकिन इसका जो चौड़ाई है दोस्तों, ये जो चौड़ाई है 750 mm जो है होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और इस दरवाज़े को आप कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। आप दरवाजे को आप ब्रिक वर्क में भी फिक्स कर सकते हो, इसके लिए कॉलम सपोर्ट देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हल्का रहता है और साइज में भी छोटा रहता है। ज़्यादातर PVC का लगता है, इसलिए इसको कॉलम सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होता है दोस्तों आपका बेडरूम का डोर। तो जो बेडरूम का जो डोर होता है दोस्तों, इसका जो हाइट है 2150 से होने ही है, इसके साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो जो है 900 mm होनी चाहिए दोस्तों। और इसके लिए कॉलम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ जिस तरफ आपका पल्ला खुलेगा दोस्तों, उस तरफ आपको जो चौखट को जब जाम करेंगे तो उसको आपको कॉलम में ही जाम करना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों, जितना भी आपका बेडरूम है या फिर पूजा रूम है या फिर किचन है, सब जगह पर आपका 900 mm चौड़ा का ही दरवाज़ा लगता है। इसके जो हाइट है वो है दोस्तों 2150 mm होती है। इसके बाद तो होता है दोस्तों आपका मेन गेट। जो मेन गेट है दोस्तों, 2150 हाइट होने के साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो रहता है 1 मीटर, 1000 mm, ये स्टैंडर्ड है दोस्तों। ठीक है, और इसके इस दरवाजे के लिए यदि आपका सिंगल पल्ला है तो जो है एक तरफ जो है कॉलम सपोर्ट होना चाहिए। जैसे इस तरफ इसका कब्जा लगा होगा, इस तरफ खुलेगा तो इसका जो कॉलम सपोर्ट है एक तरफ हो सकता है। यदि आप इसके ज़्यादा चौड़ा कर रहे हैं, डबल पल्ला का लगा रहे हैं दोस्तों, तो दोनों तरफ कॉलम सपोर्ट आप लगा सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दरवाज़ा है दोस्तों, ये थोड़ा देखिए, जैसे ये इसका दरवाज़ा, इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा दिख रही है दोस्तों, तो क्या है, दोनों तरफ जो है आप इस तरफ भी कॉलम सपोर्ट लगा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसकी जो हाइट है दोस्तों, सभी जगह 2150 mm ही रहता है। इसके बाद दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं खिड़की। तो खिड़की क्या होता है दोस्तों, जो आपकी किचन की खिड़की है दोस्तों, जो किचन की खिड़की है, उसी पहले किचन को ही बता देता हूँ। जो आपकी किचन की जो खिड़की है दोस्तों, वो होता क्या है, उसकी जो हाइट है दोस्तों 1.50 मीटर रहता है। ठीक दोस्तों, इसका जो टॉप लेवल है वो दरवाजे के लेवल में ही 2150 में ही टॉप लेवल रहेगा, लेकिन इसकी जो साइज है दोस्तों, इसकी हाइट रहेगी 1.50 mm इसकी हाइट रहेगी, और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो रहेगा 1100 mm। ठीक है दोस्तों, किचन का खिड़की एक ऐसा खिड़की है दोस्तों जिसका साइज़ थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, बाकी सभी जो खिड़कियों का जो हाइट है दोस्तों वो 1250 mm रहता है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए मैंने पहले किचन को बता दिया कि इसकी जो हाइट है 1.50 मीटर होनी चाहिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 1100 mm होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, ये वाला जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है किचन की खिड़की का, ये जो है 1100 mm होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसको जो हाइट है ये रहता है 1.50 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब किचन के बाद आ गया दोस्तों हमारा सिंगल पल्ला। एक तरफ से हम शुरू करते हैं कि हमारा जो सिंगल पल्ला खिड़की है वो क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल पल्ला का जो हाइट है दोस्तों सभी का, किचन वाले के छोड़ के, 1250 mm इसका हाइट रहेगा, और सिंगल पल्ले का जो चौड़ाई है दोस्तों
ये 750 से जो है 800 mm का रहता है दोस्तों। इस खिड़की को आप जो आपका वॉशिंग एरिया है या फिर जो ओपन टू स्काई है या फिर हाल में जैसे किनारे विनारे पर कहीं से आपको पानी वानी ले जाना है या फिर जो भी पाइप वाइप ले जाना है उस जगह पर आप इस सिंगल जो जहाँ पर मतलब आपका जगह कम है उस जगह पर आप सिंगल पल्ले का जो है खिड़की लगा सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों डबल पल्ला। जैसे मैंने आपको बताया किचन के छोड़ बाकी जगह पर जिससे रहेगा दोस्तों, तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, ये वाली जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इस ये जो है हमेशा 1.5 meter रहेगा दोस्तों, 1500 mm। ठीक दोस्तों, इसका जो हाइट है सभी के जैसे इसमें 1250 रहेगा ही, इसकी जो चौड़ाई है वो हो जाएगा दोस्तों आपका 1.5 meter। यदि आपके हाल में लग रहा है तो भी, आपके बेडरूम में लग रहा है तब भी जो है इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 meter रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डबल डोर वाले उसका खिड़की का, जैसे कि इसमें दिख रहा है ये डबल डोर है, तो डबल डोर वाले खिड़की का चौड़ाई है दोस्तों वो हमेशा 1500 रहता है। सिंगल का 750, उसका जस्ट डबल 750 का 1500 है ना दोस्तों, तो उसके जो चौड़ाई है वो 1500 mm हो जाती है दोस्तों। और इसकी जो हाइट है वो हमेशा 1250 लेना है दोस्तों, हर जगह किचन के छोड़ बाकी हर जगह जो है आपको 1250 लेना है। इसके बाद रहता है दोस्तों आपका ट्रिपल डोर, मतलब तीन वाला, तीन जहाँ पर तीन रहेगा या फिर स्लाइडिंग विंडो है ना, जहाँ पर तीन पल्ले हो, तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, ये जो चौड़ाई है हमेशा जो है 2 meter रहती है दोस्तों, है ना, ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है, जैसे आपका हाल का साइज बड़ा है ना, या फिर बेडरूम का साइज बड़ा है तो एक या दो लगा सकते हैं, बेडरूम में तो एक ही लगना है लेकिन हाल में आप दो लगा सकते हैं। तो इसको जो चौड़ाई है दोस्तों 2 meter होनी चाहिए और इसकी जो हाइट है वो जो है 1250 होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको हमको लगाना कहाँ है, तो दोस्तों जो खिड़की है वो हमेशा किचन के छोड़ दोस्तों है ना, बाकी हर जैसे बात आपका बेडरूम है या फिर हाल है चाहे जो भी है, आपको हमेशा आप कोशिश करिए कि वो सेंटर में ही आए, ताकि जो आपका बाहर से जो आने वाली हवा है वो जो है रूम में या फिर हाल में सब जगह जो है वो आए। और जो है ना दोस्तों, इस हिसाब से आपको खिड़की को फिट करना है। लेकिन जो किचन वाला जो खिड़की है दोस्तों, वो आपको हमेशा जहाँ पर आपका वाश बेसिन लगा है वहीं पर जो है आपको किचन वाली खिड़की को देना है। ज़्यादातर जो है एक किनारे पर ही आता है, इसलिए आपको उसको देना है। और जो सिंगल पल्ला वाला जो आपका खिड़की है, यह भी ज़्यादातर जो है कोने वोने में ही आता है, इसको भी कोने में लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मुझे लगता है दोस्तों इतनी जानकारी आपके लिए सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइए, लाइक सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।